फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन करने वाली हूँ, वो है चांदी के बर्तन के इम्पोर्टेंस हमारे बच्चों के जिंदगी में। हम आज आपको ये जरूर बताएंगे कि किन तरीकों से आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं सिर्फ चांदी के बर्तन से। सबसे पहली बात, चांदी का बर्तन बिल्कुल भी 100% बैक्टीरिया फ्री होता है, उसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसीलिए आपको उसे स्टेरिलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैक्टीरिया फ्री है। सिर्फ जैसे नॉर्मल बर्तन को धोता है वैसे धोके रखना है। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमेशा से, जब भी हमारे बच्चों का नामकरण होता है या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो गिफ्ट्स में हमें चांदी के बर्तन बहुत मिलते हैं। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे ये मानते थे कि बच्चों को, वैसे तो सबको पर स्पेशली बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ चांदी के बर्तन में ही खिलाना और पिलाना चाहिए। उसका कारण यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और चांदी क्योंकि बैक्टीरिया और कीटाणु को दूर रखता है तो बच्चों को जल्दी से कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण था। दूसरी बात, जब आप बच्चे को एक प्लास्टिक के ग्लास में या प्लास्टिक के प्लेट में खिलाते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि वो बीपीए फ्री है या नहीं, क्योंकि बीपीए एक बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है जो कि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी भी प्लास्टिक की पानी की बोतल या प्लेट या चम्मच या कोई भी चीज खरीदे तो चेक कर लीजिए कि वो बीपीए फ्री है। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इसके बाद की बात, अगर आप चांदी के बर्तन में बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तो और वो फ्रेशनेस भी बरकरार रखता है। पहले के जमाने में जब भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते थे तो उन्हें चांदी के ग्लास में जूस या पानी या शरबत ये सब चीजें हम दिया करते थे। उसका कारण ये था, बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये था कि वो फ्रेशनेस बरकरार रखता है चांदी। इसीलिए भी चांदी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जो आजकल के मॉडर्न डे प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर जो हम लोग बोलते हैं, जो हमें लगता है कि इससे फ्रेश पानी तो और कहीं से मिल ही नहीं सकता, उसमें भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, मॉडर्न प्यूरिफायर में भी आप चाहे तो अपना रिसर्च कर सकते हैं, चांदी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि चांदी से अच्छा बैक्टीरिया मारने का नेचुरल सब्सटेंस कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को चांदी के चम्मच से खाना खिलाएं और चांदी के प्याले में खाना परोसे। इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बैक्टीरिया से दूर रहेगा, इम्यूनिटी और जो फ्रेशनेस है वो भी बरकरार रहेगी। एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप इसे रेगुलरली करना चाह रहे हैं तो कभी भी जो उस प्याले में या प्लेट में आप खिलाते हैं उसको बार बार पॉलिश ना करवाएं। उसका कारण ये है कि पॉलिश करते वक्त केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जब हमारे घर में ही खा रहे हैं तो उसे नॉर्मल आप घर में विम बार से साफ कर सकते हैं, नींबू से साफ कर सकते हैं, बिल्कुल चमक उठेगा आपका बर्तन विदाउट एनी टेंशन। सो प्लीज ट्राई करिए कि बच्चों को चांदी के चीज में ज्यादा से ज्यादा परोसा जाए। धन्यवाद।